हेलो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं और इन्हें कैसे किया जाता है। लिंक मैंने आई बटन में दिया है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि रेजिस्टर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं और इन कनेक्शंस की वजह से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या चेंज आता है, क्योंकि कई बार सर्किट में हमें ऐसा रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत पड़ती है जो आसानी से मार्केट में नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टर हमें मिल पाते हैं उनका सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके रेजिस्टेंस की वैल्यू बनाई जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी होता है और इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। रजिस्टर्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। रजिस्टर करंट के रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सड़क पर चलती गाड़ी को स्पीड ब्रेकर स्लो करता है, उसी प्रकार रजिस्टर सर्किट में करंट की गति को स्लो कर देता है। इसकी यूनिट ओम में होती है। अब मैं आपको रजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। मेरे पास ये एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू दो मेथड से निकाली जा सकती है, कलर कोडिंग मेथड से, दूसरा मल्टीमीटर से। कलर कोडिंग मेथड आप डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में मल्टीमीटर से वैल्यू मेजर करना बताएंगे। मल्टीमीटर की नोब रजिस्टर के सिंबल ओम पर सेट करके इसकी वैल्यू मेजर करते हैं। यह आ रही है 33 ओम। सीरीज में रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर सभी रजिस्टर 33 ओम वैल्यू के हैं। इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम मल्टीमीटर की एक लीड को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और दूसरी लीड को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। इनकी वैल्यू आ रही है 100 ओम। दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट यह है कि सीरीज में रजिस्टर ऐड होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास 33 ओम के तीन रजिस्टर्स हैं, इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है 99 ओम। यह वैल्यू कैलकुलेशन से आई है, जो लगभग हमारी मेजर करी हुई वैल्यू के बराबर आई है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम एक रजिस्टर चेंज करते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू है 99 ओम। अब हम टोटल रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से मेजर करते हैं, इनकी टोटल वैल्यू आ रही है 166 ओम। इसको हम कैलकुलेशन से समझते हैं। सबसे पहले वाले रेजिस्टर को R1 से दिखाते हैं, दूसरा R2 से और तीसरा R3 से। तो टोटल रेजिस्टेंस R हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर इनकी वैल्यूज को डालते हैं 33 प्लस 33 प्लस 99, यह हो जाता है 165 ओम। यह वैल्यू भी हमारी मल्टीमीटर से नापी गई वैल्यू के बराबर है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको टोटल सीरीज रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपली सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड कर लें। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हों तो इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इन 33 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। पैरेलल कनेक्शन में हम रेजिस्टर्स को दोनों तरफ से आपस में इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है 11.4 ओम। अब इस मेथड को कैलकुलेशन से समझते हैं। पैरेलल में रेजिस्टर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, यहाँ 33-33 ओम के तीन रेजिस्टर्स हैं, ये हैं R1, R2, R3 और R मानते हैं टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू को। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई R3 प्लस R2 मल्टीप्लाई R3 R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3। इसको उल्टा कर देंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 R1 मल्टीप्लाई R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई R3 प्लस R2 मल्टीप्लाई R3। यहाँ पर R1, R2, R3 की वैल्यू सेम है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 33 ओम। यहाँ पर वैल्यू डालते हैं तो R इक्वल टू हो जाता है 33 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाय 33 मल्टीप्लाई 33 प्लस 33 मल्टीप्लाई 33 प्लस 33 मल्टीप्लाई 33। R इज इक्वल टू 35937 डिवाइड बाय 3267 इक्वल टू 11 ओम। यह वैल्यू हमारी मल्टीमीटर से ली गई रीडिंग को मैच करती है। यहाँ हमने देखा कि तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, तो इस केस में एक सिंपल ट्रिक होती है जिससे हम इतनी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। बस आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, R इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड। यहाँ पर रेजिस्टर की वैल्यू 33 ओम है और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 3 है, तो वैल्यू आती है R इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 11 ओम। दोस्तों, अगर सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम नहीं है तो यह फॉर्मूला नहीं यूज करना, जैसा कि इस केस में है। दो रेजिस्टर
रजिस्टर्स 33 ओम के हैं और 99 ओम का एक रजिस्टर है, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।